पांडाज इज द नेक्स्ट लाइब्रेरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आई मेंशन दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज यू विल इन ऑल ऑफ़ योर प्रोजेक्ट मे बी द मेजोरिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट यू विल बी मेकिंग गुड यूज ऑफ पांडाज अच्छा पांडाज की लाइब्रेरी जो है इसको हम जो डाटा जब हमने डेटा रेंगलिंग का वो जो प्रोसेस डिस्कस किया था उसके जो डिफरेंट फीचर्स यूज किए थे तो एज ए मैंशन की जो डाटा है इट विल बी स्टोर्ड सम इट हैज़ टू बी समेयर राइट ओनली एबल टू अप्लाई डिफरेंट फंक्शन और फीचर्स और यू नो डिफरेंट अरेथमेटिकल टूल्स और वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल बी वर्किंग ऑन डेटा इवन इफ यू आर ट्रेनिंग योर एल्गोरिदम्स और आपके जो स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हैं या आपके जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं तो वो डेटा आपके पास कहीं कही ना कहीं तो होगा तो पांडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल प्लेस जहाँ पे आप लोग अपना डाटा को स्टोर करेंगे अब वो बैक साइड पे वो नम में पड़ा है वो कहीं और पड़ा है वो डाटा फ्रेम में पड़ा है वो वो उसके डिफरेंट व्यूज है व्यूज़रट दैट दैट इज़ मे बी अ लिटल बिट टू मच फॉर यू एट दिस मोमेंट और दिस पॉइंट इन टाइम बस आपको ये याद रखना है कि पांडास को आपने किस लिए यूज़ करना है राइट तो ये जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि डाटा की जो मैं डाटा रैंगलिंग का रेफरेंस दे रहा था कि अगर आपने डाटा की क्लेंजिंग करनी है आपने डाटा फिल करना है ये भी हमने कुछ एक्सरसाइज की थी ड्यूरिंग डेटा रेंगलिंग तो उसमें जो बैक एंड पे जो काम होगा वो दैट विल बी डन इन पांडाज अच्छा डेटा जो नॉर्मलाइजेशन है ये अगेन एक और फीचर है ये भी हमने स्टडी किया था कि डेटा नॉर्मलाइजेशन को हम कैसे करते हैं फिर डी डी नॉर्मलाइज करते हैं या नॉर्मलाइज करते हैं और किस सिचुएशन में हमने डेटा के साथ किस तरह की ट्रीटमेंट करनी है राइट तो ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन जो है दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये जब आप डेटा वेयर हाउसिंग में अपना डेटा सोर्स सिस्टम से लेके आते हैं तो उसको जब आप उसके अंदर आप समझें कि आप उसको ओपनली थोड़ा सा स्प्रेड करके रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन देखिए एक चीज़ मैंने आपसे शेयर की थी कि जब आप जो डिवेलपर हैं जो कोई एप्लीकेशन डिवेल्प करते हैं जहाँ से आपका सोर्स जो आपका सोर्स सिस्टम है फ़र्ज़ करें वो कोई पॉइंट ऑफ सेल है कोई ई है कोई सी है या कोई और एप्लीकेशन है तो वहाँ पे जो डिज़ाइनर है उनकी डेटा स्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है आपकी रिक्वायरमेंट से राइट आपने उनको एक फ़ीचर देना है कि जी वो डाटा ड्रिल डाउन करके आप किसी हाइस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक जा सके वेयर एज उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो कम से कम एंट्रीज़ करें और जो यूज़र है वो डेटा उसका एक जगह पे जो डाटा यूज़ किया दे शुड बी एबल टू यूज़ इट एट मल्टीपल मॉड्यूल्स और मल्टीपल जो फंक्शन तो होते हैं किसी बिजनेस में तो ये नॉर्मलाइजेशन में हम ये करते हैं कि उसको दोबारा से इस तरह रखते हैं कि उसके ऊपर मैक्सिमम एनालिसिस परफॉर्म किया जा सके आप ड्रिल डाउन कर सकें स्लाइस एंड डाइस कर सकें और ये बेसिकली जो डेटा एनालिटिक्स है उसकी वन ऑफ दी जो बेस्ट फीचर है वो यही है कि आप उसको ड्रिल डाउन कर सकें स्लाइस और डाइस कर सकें और उसको वेरियस एंगल से एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को देख सकें तो इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन है दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन योर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स फिर इसमें जो आप एस में जो कुछ काम करते हैं या डिफरेंट लाइब्रेरीज में करते हैं वो आप इसके अंदर वो काम सारे परफॉर्म कर सकते हैं जैसे मर्ज एंड जॉइंस ये हमने देखा था जब हमने एस पढ़ा था या लेफ़्ट जॉइन है राइट जॉइन है एंड देन यू मर्ज द डाटा यू स्प्लिट द डाटा आप उसको ट्रंकेट करते हैं आप उसको सो मैनी फंक्शन तो वो सारे फंक्शन जो है वो मोस्टली आपको यहाँ भी मिलते हैं पांडास के अंदर फिर तो डेटा विजुलाइजेशन के लिए अगर आपने प्रेपरेशन करनी है दैट यू कैन डू हेयर लाइक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आप कर सकते हैं डाटा की इंस्पेक्शन अगेन ये जो डेटा की इंस्पेक्शन है या डाटा रेंगलिंग है या डेट इंस्पेक्शन अब आप इसको जब हम डेटा रेंगलिंग के प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू विल बी एक्चुअली डूइंग इंस्पेक्शन एट ईच एंड एवरी टाइम हमने उसके अंदर डाटा कम्प्लीटनेस की बात की थी हमने उसके अंदर डाटा की क्वालिटी की बात की थी और जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसकी जो सिक्योरिटी है यू नो ऑल दिस थिंग तो बेसिकली इसका मकसद यह है कि जो इंस्पेक्शन है दैट विल बी डन ऑन ईच एंड एवरी स्टेप और मे बी किसी एक स्टेप पे या जो एक प्रोसेस का जो आपका जो डाटा क्लिनिंग का या उसका प्रोसेस है डाटा क्वालिटी इश्योरेंस का कम्प्लीटनेस का किसी एप्स एक स्टेप के अंदर भी फर्दर सब स्टेप्स हो सकते हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं या बेसिकली दैट यू विल बी डूइंग विद इन पांडाज लोडिंग सेविंग डाटा दिस इज नो ब्रेनर सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ये एक पांडाज की एक एनवायरनमेंट है बेसिकली जिसको इससे आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी कि जो है वो काम किस तरह से करते हैं अगर आप ये देखिए कि वी स्टार्टेड विद दी ये हमारा जो है रॉ कंपनी डेटा ये पोस्ट ग्री डाटा बेस का टेबल है और ये बेसिकली आपका सोर्स टेबल है जहाँ से हमने डेटा उठाया नो अगेन इमेजिन योर डेटा पाइपलाइन ये आपने सोर्स सिस्टम से डाटा लिया अब ये आपका जो नेक्स्ट स्टेप जिससे जब हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी एक थी ई टी ट्रांसफॉर्म एंड लोड और दूसरी थी ई एल हम लोड करके फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे बट इन दिस वी आर डूइंग ई टी एल विच मीन वी आर एक्सट्रैक्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग एंड देन लोडिंग और ये जो डेटा है बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये यू एस जिप कोड्स हैं जो जिप कोड है प्लीज़ गो टू तो इंटरनेट पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि विद इन यूनाइट स्टेट्स के अंदर जो एक, -एक प्रॉपर्टी है कोई घर है कोई ऑफिस है कोई भी जगह है तो उसका जो पोस्टल एड्रेस है एक तरह से दैट इज़ कॉल्ड जिप तो उसकी कोडिंग उन्होंने की हुई है कोडिंग इस तरह से की कि, कि पूरे यूनाइट स्टेट्स के अंदर जो उनकी फिफ्टी प्लस स्टेट्स है और हर स्टेट के अंदर एक शहर है छोटा बड़ा वट एवर और जैसे होता है कि आप वहाँ से शुरू करके फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तहसील लेवल पे आते हैं कंसिडरिंग ओवर इन्वायरमेंट फिर आप यूनियन कौंसिल लेवल पे आते हैं फिर उससे नीचे भी एक लेवल होता है जिसको आप ब्रिक कहते हैं या मे बी समथिंग एल्स तो वो ये जो सारा प्रोसेस है बेसिकली वहाँ पर उनका एक सिंगल एक नंबर जो है एक नुमेरिक या अल्फा नुमेरिकल या नुमेरिकल नंबर है जो कि पूरे उसको रिप्रेजेंट करता है फिर उसको आपने ये एग्जांपल एग्जाम्पल जस्ट टू एक्सप्लेन यू के ये जो जिप कोड यू सी दिस प्लीज गो टू और मे बी इफ यू हैव सम रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स उनका एड्रेस अगर आप चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको एक जिप कोड का एक नंबर नज़र आएगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बट अदरवाइज इट इज़ वेरी ईजी आप जाके जस्ट गूगल पे सर्च करें वट इज़ दिप कोड तो यू विल अंडरस्टैंड वट इज़ दिप कोड इन सम अदर कंट्रीज यूज़ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बट दे आर सिमिलर उन्होंने किया बेसिकली यह है कि एक नंबरिंग का एक नॉमन क्लेचर आप उसे कह सकते हैं एक नेमिंग का या उसकी आइडेंटिफिकेसन का जैसे फ़र्ज़ करें आपका सी एन आई सी नंबर होता है वो यूनिक होता है फॉर एवरी इंडिविजुल इफ यू आर लिविंग इन अ कंट्री वीर यू हैव पापुलेशन ऑफ मिलियन एंड मिलियंस ऑफ पीपल हर एक इंडिविजुअल का सी एन आई सी सेपरेट है विच इज़ यूनिक इसी तरह जिप कोड है ये भी यूनिक होता है तो बेसिकली बताने का मकसद यह कि जो डेटा आपके पास आया वो हमने ई करके उसको ले के आए और उसको हमने क्या किया, किया कि दोबारा से कोड की फॉर्मेट में उसको हमने स्टोर कर लिया अब ये फिर हमारे डिफरेंट अब देखिए उसको हमने करना क्या अब जिप कोड के साथ हो सकता है कोई पेशेंट का डाटा हो कोई कंज्यूमर का डाटा हो कोई आ, उसका डाटा हो सकता है आपके जो मोबाइल फ़ोन का किसी का शॉपिंग का रिकॉर्ड हो सकता है अकॉर्डिंगली दे विल भी डिफरेंट कम्प्यूटर नोड्स या उसको वो वी एम्स भी हो सकते हैं जो कि उसको डाटा को यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली कम्प्यूटर नोट वन टू थ्री ये आपके कम्प्यूटर्स हैं बेसिकली ये सर्वरज हैं जो कि जो डेटा आपके पास आ रहा है उसको प्रोसेस करते हैं दिस यू वी लर्न इन समे बी अगर आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उस पर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये तीन कंप्यूटर्स की क्यों ज़रूरत है कोई एक कंप्यूटर के क्यों नहीं है ये जो कंप्यूटर हैं दे ये ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल हो या वर्चुअल भी हो सकते हैं इनको हम वी एम भी कहते हैं वर्चुअल या वर्चुअल कंप्यूटर भी कहते हैं वी सी भी कहते हैं तो डिफरेंट टर्म यूज़ होती हैं इनके लिए लेकिन ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये अगर एक स्टैक की सूरत में पड़े हैं तो ये हो सकता है कि डाटा ऊपर से नीचे पहले जैसे कि फ़र्ज करे यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ और फिर इधर जाए और ये भी हो सकता है कि सबसे डाटा इधर जाए सो देर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ ये डिपेंड करेगा कि आपका डाटा आर्किटेक्चर कैसे है आपने जो प्रोसेस है आपका वो किस तरह से काम करता है फिर उसके बाद जब ये जिप कोड का डाटा आपके पास आ गया तो अब हम बात करेंगे पाइथन के स्क्रिप्ट्स की कि ये जो स्क्रिप्ट है वो अब उसको आ, हैंडल कर रहे हैं जो पांडाज का ई टी है वो उसको अब ये देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिस इज़ कॉल्ड ये मैं इसी की बात कर रहा था कि पैरल जो है ना आपकी वो एग्जीक्यूशन हो मतलब पैरल भी हो सकती है सीक्वेंस में भी हो सकती है बट हेयर यहाँ पे आपके जो दो ई टी एल के प्रोसेस है दे आर वर्किंग इन पैरल एंड अगेन एट द एंड जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो एक डाटा है जो कि क्लीन होने के बाद हमें यहाँ पे मिल गया यहाँ पे हमारे पास देखिए ये लिखा हुआ है रॉ डाटा ये पूरा आपने प्रोसेस किया उसको एक्सट्रैक्ट किया उसके ऊपर सर्टन चीज वो जो भी ये जो स्क्रिप्ट थे वो आपने किए और फिर इवेंचुअली बट यू गॉट दैट इज़ क्लीनड डाटा ये वो डाटा जिसके ऊपर अब आप या जो आपके बिज़नेस यूज़र हैं आप इसके ऊपर डाटा विजुलाइजेशन कर सकते हैं यूज़र को अपना एनालिसिस कर सकते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ दी एग्जांपल इसी तरह आप और बेशुमार कई चीज़ें जो आप इसमें कर सकेंगे